अरे भाई, बर्फ के ऊपर भला मटर कौन डालता है। आज मेरे घर पे एक सेफ आई हुई थी, तो उसने मेरे घर के अंदर जो मटर रखी हुई थी वह बर्फ के ऊपर डाल दी। तो मैंने कहा कि क्यों आप मेरे मटर को खराब कर रही हो। तो उसने कहा कि क्या आपने कभी बर्फ के ऊपर मटर डाली है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं डाली, और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी बर्फ के ऊपर मटर डाली होगी। तो उसने कहा कि सुनो मेरी बात, मैं एक बड़े होटल की शेफ हूँ, और ऐसे ही तो मैं सारी चीज़ें आपकी ख़राब करूँगी नहीं। तो मैंने कहा कि आप तो इसे ख़राब ही कर रही हो, ऊपर से आप इसमें नमक भी ऐड कर रही हो। तो वह बोलती है कि आप मेरे पे भरोसा रखिए, आप लगभग 200 से 250 ग्राम मटर ले लीजिए। आगे की जानकारी दूँ दोस्तों, उससे पहले आप हमारा वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि मैं अपना थैंक्स आप तक पहुँचा सकूँ। पिछला थैंक्स जाता है सुषमा जी को और नारायण जी को, जो कि फरीदाबाद दिल्ली से है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सेफ ने 200 से 250 ग्राम के आसपास मटर ले ली। और दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बर्फ़ के ऊपर मटर डाल के हम इतनी बढ़िया चीज़, शानदार चीज़ बना सकते हैं। इसके जो एंड रिजल्ट थे दोस्तों बहुत ही अमेजिंग थे। तो आप देख सकते हैं पानी में हल्का उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो पानी में एक अच्छे से उबाल दिला लीजिए, और उसके बाद आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद आप मटर को बाहर निकाल लीजिए, और एक मिक्सी का जार लीजिए, आप उसमें इस सारी की सारी मटर को ऐड कर दीजिए। अब दोस्तों इसमें ऐड करने के बाद हमें इसमें पानी डालना है थोड़ा सा, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि मटर सारी की सारी आप निकाल लीजिए, और फिर उसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी डालिए, ढक्कन को बंद कीजिए, और इसको अच्छे से आप ग्राइंड कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, और अब चीज़ें हम दोस्तों इसमें कुछ ऐड करने वाले हैं वो है, आप देख सकते हैं एक कटोरी हमने बिल्कुल फ्रेश सूजी ले ली है, और इसी के साथ दोस्तों हमें इसमें लगभग 6 से 7 चम्मच के आसपास इसमें ऐड करना है दही। तो चलिए दोस्तों काउंट कर लेते हैं कि कितनी चम्मच है। 2 चम्मच हम ऐड कर चुके हैं, और ये तीसरी भी ऐड कर दी, 4, और ये 5, और ये 6 चम्मच दोस्तों हमने इसमें दही ऐड किया है, और हल्का सा थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड किया है। फिर इसको भी दोस्तों आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद दोस्तों एक अलग बाउल में आप इसको निकाल लीजिए। अब दोस्तों हमें इसमें थोड़े कुछ मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि लाल मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा दोस्तों हमने नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि आपने देखा था स्टार्टिंग में हमने थोड़ा नमक इसमें ऐड कर दिया था पहले ही, तो ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है। और फिर दोस्तों एक कटा हुआ छोटा प्याज और एक कटी हुई मिर्ची आप इसमें ऐड कर दीजिए, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी आप इसमें ऐड कर दीजिए, ताकि टेस्ट इसका है जो दुगना हो जाए। तो अब दोस्तों आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और किस कंसिस्टेंसी में ये हमें चाहिए वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। हल्का सा थोड़ा सा गाढ़ा है ये, आप हल्का सा इसको थोड़ा सा पतला कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा ये स्ट्रक्चर है जो बनके तैयार हो चुका है। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि एक पैन लेना है। आप दोस्तों पैन में या तो फिर थोड़ा सा घी ऐड कर लीजिए, या फिर थोड़ा सा तेल ऐड कर लीजिए, जो भी चाहे, जिसमें भी आप इसको बनाना चाहे तो बना सकते हैं। आज हमारी दोस्तों यह जो ख़ास चीज़ बनके तैयार हो रही है, जो बड़े होटल की शेफ ने जो ये चीज़ तैयार कर रही हैं, ये चीज़ है दोस्तों मटर का चीला, जो कि दोस्तों मटर और सूजी का चीला, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, बिल्कुल भी हैवी नहीं होता है। आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, जब आपका मन चाहे दोस्तों खा सकते हैं, और देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से हमारे पैन को इसने छोड़ दिया है, और बहुत ही स्वादिष्ट हमारा दोस्तों जो ये चीला है वो बनके तैयार होगा, एक नंबर का, जिसे खाकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब दोस्तों इसको आप देख सकते हैं हमने फोल्ड कर लिया है, और एक अलग दूसरी प्लेट में दोस्तों हमें इसे निकाल लेना है। और अब दोस्तों कुछ ही इसी तरीके से जो सारे के सारे चीले हैं मटर और सूजी के, तो दोस्तों एक एक करके सभी हमें कुछ इसी तरीके से निकाल लेने हैं। दही के कारण दोस्तों, कस्तूरी मेथी के कारण मटर को हमने पीस लिया है, प्याज इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है, तो बहुत ही अलग और यूनिक सा चटपटा स्वाद आएगा, जो आपकी जीभ को बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी यह खास ट्रिक, हमारे बड़े होटल की सेफ की ट्रिक, हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर दोस्तों आप ने हमारे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए दोस्तों,
मैं चलता हूँ, मुझे दीजिए अलविदा। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ एक ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय, टेक केयर।